अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज 28 मार्च 2024 एंड इट इज थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें तो आज के एशियन इंडेक्स की क्लोजिंग हुई 67,142, तकरीबन 594 पॉइंट मार्केट आज पॉजिटिव क्लोज हुई। आज मार्केट के हाई से लोज की बात करते हैं तो 67,246 का मार्केट ने हाई लगाया और 66,690 का मार्केट ने लो लगाया। टोटल वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो 231.3 मिलियन शेयर का काम देखा गया, जो कदरे हेल्दी वॉल्यूम है। मेरे ख्याल में रमजान मुबारक के ये पहले वॉल्यूम है जो आज अच्छे लगे। ये आज के मार्केट मूवमेंट की बात करते हैं तो थ्रू आउट द डे मार्केट जो है वो काफी बुलिश हमें नजर आई। कैंडल की बात करते हैं तो बुलिश मोरो बाजो की कैंडल की फॉर्मेशन है और पिछले तकरीबन 4 दिन से मार्केट जो है वो काफी अग्रेसिव जो है वो मूव कर रही है और तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर जो है वो मार्केट मूव कर रही है। आज के दिन जो है आप लोगों ने क्या सवाल पूछे, वन बाय वन जो है उनकी तरफ आते हैं। जी, सबसे पहले जो है हमारे पास है महमूद सईद साहब। आपने पूछा कि प्लीज सजेस्ट बाइंग प्राइस ऑफ सिनर्जी। सिनर्जी के बारे में आपने पूछा, इसका बाइंग जोन। हाँ जी सर, सिनर्जी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सिनर्जी का बाइंग जोन तकरीबन 4 पे से लेकर 4 पे 70 पैसे के दरमियान, ये सारा इसका बाइंग जोन है। ये कोहिनूर स्पिनिंग का आपने पूछा, कोहिनूर स्पिनिंग फिलहाल अपने बाइंग जोन पर है, 4 पे 30 पैसे से लेकर 4 पे और 70 पैसे के दरमियान। ठीक है, 4.30 और 4.70 ये अपने जहन में रखना, ये इसका बाइंग जोन है। हैस्कोल के बारे में आपने पूछा, हैस्कोल फिलहाल जो है वो बाइंग जोन में तकरीबन 7 रुपये 30 पैसे से लेकर तकरीबन 8 रुपए तक जो है ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। और पीटीसी का पूछा, पीटीसी फिलहाल जो है ये अपने बाइंग जोन से निकला हुआ है ऊपर, तो बेहतर ये कि जब पीटीसी आ जाए तकरीबन ऑलमोस्ट 11-12 रुपए पर तो तब इसको बाई किया जाए। फिलहाल ये तकरीबन अपने ऑल टाइम हाई पर जो है ये मूव कर रही है। हाँ जी, नेक्स्ट जो है शमीम अहमद साहब ने आपने पूछा कि आपने परचेज किया हुए म्यूचुअल फ्रूट 160 रुपए का और नो की मी आवर व्यू म्यूचुअल फ्रूट। म्यूचुअल फ्रूट जो है सर फिलहाल तो यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रही है, ठीक है, ये अप ट्रेंड में ही है और किसी भी टाइम जो है यहाँ से दोबारा इसका मूव जो है वो निकल सकता है ये। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा वेट करा है, जिस टाइम पे ये 170-175 का लेवल इसे क्रॉस किया तो फिर ये 200 रुपये जो है वो इजिली क्रॉस कर जाएगा ये। ठीक है, तो ये इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक है, इसमें आपने परेशानी नहीं करी किसी किस्म की। हाँ जी मैडम, है वॉक एंड से आपने पूछा SPWL के बारे में, 20 रुपए की बाइंग है। यहाँ पर ये मुसलसल जो है दोबारा नीचे की तरफ आ रहा है तो बेहतर ये कि यहाँ पर आपके रेट से थोड़ा सा ही जो है वो ऊपर नीचे देखें। आज भी कैंडल इसकी काफी बियरिश कैंडल बनी। आप इसका 19 रुपये और 80 पैसे का स्टॉप लॉस रखें, अगर इसे नीचे आता तो एक दफा इसके अंदर से आप निकल जाइए। बाद में जब ये दोबारा आ जाए तकरीबन 19 रुपये से नीचे नीचे कहीं तो फिर दोबारा पूछ ले फ्रेश बाई के लिए। 50 रुपये नारोवाल से TPLP और PIBTL का रिव्यू पूछा। PIBTL अगर आप लेना चाहते हैं तो 10.90 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इसको ले सकते हैं, आज काफी अच्छी इसकी कैंडल बनी। और अगर कल के दिन या आने वाले दिनों में ये 12 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये काफी हद तक जो है वो आगे बेहतर होना शुरू हो जाएगा ये। जी, और PIBTL के बारे में भी आपने पूछा, PIBTL फिलहाल 5.82, यहाँ पर ये कंसोलिडेट हो रहा है ये PIBTL। जिस टाइम भी इसने अपना ब्रेकआउट दे दिया तकरीबन 6.22 रुपये का तो फिर ये काफी बुलिश हो जाएगा ये। जी, उमर साहब है कराची से, पाक इलेक्ट्रॉन के रिव्यू के बारे में आपने पूछा, 22.36 रुपये की बाइंग है। फिलहाल ये भी यहाँ पर जो है ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है ये, किसी भी टाइम ये अपना ब्रेकआउट दे सकता है। जिस टाइम में ये ट्रेड करना शुरू हो जाए 25 रुपये से ऊपर ऊपर तो फिर इसका ब्रेकआउट निकल जाएगा और ये फिर जो है वो एक ऊपर की रैली जो है वो बना सकता है ये। दूसरा आपने MCPL का पूछा, 92 की बाइंग है सर, ये आपके रेट से काफी नीचे है तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसका सब्र ही करें। और PIBTL के बारे में भी आपने पूछा, उसका मैं अभी आपको बता चुका हूँ। तो ये था हमारा आज का सेशन, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे काजी नबील को इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।